हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया हो गए यार। सो आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में वीडियोस चेक कर रहा था, तो मैंने आज देखा कि यार मैंने अपनी स्कॉर्पियो के इंटीरियर क्लीनिंग के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाई है। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी स्कॉर्पियो का ना इंटीरियर आज तक मेंटेन कैसे कर रखा है और इतना साफ कैसे है। और मैं जो कुछ प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, वो खैर वो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, और जो प्रोडक्ट मैं आज तक यूज़ करता चला आया हूँ कंटिन्यूसली, और उनको मैं अभी तक यूज़ करता हूँ, जिससे मेरे जो स्कॉर्पियो का इंटीरियर है ना वो बहुत साफ़ है। मैं आपको एक बार इंटीरियर दिखा दूँ कि मैं किस बात कर रहा था, कि जो इसकी प्लास्टिक का पोलिस्ट्री है ना 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद भी, वो भी पूरी साफ है और स्क्रैच लेस है। एक दो वो तो खैर वैसे स्क्रैच है, मतलब आप ये देख लो जो इसका इंटीरियर है अभी खैर गंदा हो गया है। सो आज मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपनी स्कॉर्पियो का इंटीरियर कैसे क्लीन करता हूँ। सो भी आप ये इंटीरियर पूरा देख लो, ये फ्लोर मैट्स वगैरह देख लो, मैं इन्हें कैसे साफ़ करूँगा वो सब भी मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा कि सफाई में इसमें क्या क्या चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा। और आप ये देख लो सीट कवर वगैरह, सीट कवर तो मैं पूछ रहा हूँ खैर चेंज वगैरह करवाने की। आप ये देख सकते हो इंटीरियर अभी इतना गंदा आया, मतलब ये सब मैं अभी आपको दिखाऊँगा पूरा क्लीन करके। और आप ये देख लो छत तो खैर मेरी साफ़ है, छत मेरी साफ़ थी, एक बार मैंने ड्राई क्लीन कराई थी और छत पूरी क्लीन है। बस आपको ये मैं दिखाऊंगा कि जो मेरे प्लास्टिक पैनल्स वगैरह हैं और ये जो डैशबोर्ड वगैरह जो सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं ना, वो ये डैशबोर्ड वगैरह होते हैं, तो इन्हें साफ़ करके आज मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, अपनी गाड़ी में जितने भी अनवॉन्टेड सामान जैसे फ्लोर मैट्स वगैरह और जितनी भी केबल है, इन सबको हटाते हैं और गाड़ी को ना एकदम खाली करते हैं अपनी, और फिर अपने स्टार्ट करते हैं अपनी क्लीनिंग। और मैं बताऊंगा कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। जैसा कि हमने अपनी गाड़ी से सारा सामान बाहर निकाल लिया, आप देख सकते हो फ्लोर मैट्स वगैरह निकाल दिए, तो अब हमारा काम बचता है कि जितनी भी धूल है इसके लिए हम यूज़ करेंगे भाई अपना वैक्यूम क्लीनर। ये मैंने वैक्यूम क्लीनर ले रखा था, काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वैक्यूम क्लीनर को। सो अब हम करेंगे अपनी गाड़ी को वैक्यूम। देखो अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप कोई भी ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं पेंट वाला, इससे सारी धूल चली जाएगी। तो चलिए गाड़ी को करते हैं वैक्यूम। तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट, क्योंकि जो अपना ये वैक्यूम क्लीनर है ना ये चलता है भाई सिगरेट लाइटर वाले सॉकेट से। देख सकते हो कि हमारा इंटीरियर वैक्यूम हमने कर दिया, काफ़ी हद तक गाड़ी ऑलमोस्ट तो अभी आप देख लो कितनी ज़्यादा साफ़ हो चुकी है, जितनी भी यहाँ पे गंदगी थी वो। और अभी आप देखो डैशबोर्ड में जितनी भी छोटे छोटे डस्ट वगैरह थी डैशबोर्ड से और इधर कंसोल वगैरह था, वो सब चली गई हैं। और मैं पीछे की बात करूँ तो आप ये देख लो पीछे का अपना, पीछे भी काफ़ी हद तक चली गई है, पर जो अभी है धूल चिपकी है। ये धूल के लिए अब हम आपको बताएंगे, देख लो पहले, अब मैं देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ करता था धूल के लिए। तो ये देखो ये है भाई मेरा इंटीरियर क्लीनर टर्टल वैक्स। देखो मैं आपको, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर ये वाला वैक्स ये है क्या बोलते हैं ऑल पर्पज़ क्लीनर जो ये फोम क्रिएट करता है, कि उसके बिना भी क्लीन नहीं हो पाएगा। वैसे तो मैं बताऊँ ज़्यादा की नहीं आती है ये वाली कैन, 300-400 रुपये की कैन है। मैं इसे अगर प्राइस दिखाऊँ आपको तो ये देखो 500 रुपये की कैन है, आपको 300-400 रुपये की आराम से मिल जाएगी। तो इस कैन का कमाल क्या है ना कि आप देखना, मैं अभी पूरी गाड़ी को एक बार फोम करता हूँ इंटीरियर फोम। आप बस आपको एक चीज़ का केयरफुल रखना है कि अपना जो ये सिगरेट लाइटर है इसको आप बंद कर दो, इसमें चला जाएगा ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वैसे टच स्क्रीन में इधर उधर अगर फोम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सारा एयर इंटैक्ट होता है। तो चलिए अब हम अपनी गाड़ी को फोम करके एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। उसको आपको क्या करना, सबसे पहले तो आपको इसको शेक कर लेना अच्छे से। शेक करने के बाद आपको जैसे कि मैं दिखाऊँ अभी सीट से, सबसे पहले मैं सीट पर लगाता हूँ फोम। देखो ये देखो फ्लोर पे लगाया मैंने, नीचे इधर लगाया डैशबोर्ड पे। तो आप ये देख सकते हो कि गाड़ी अभी फोम हो गई है अपनी। और फोम होने के बाद हमें इसे करना क्या है कि थोड़ी देर तक इस फोम को छोड़ देना है। अभी आप उसको इधर पूरा लगा दो, आप उसको थोड़ी देर तक छोड़ दो, ठीक है। इसे हम इधर थोड़ी देर तक छोड़ेंगे, ये क्या करेगा सारा जितना भी डस्ट वगैरह है वो एक जगह इकट्ठी कर लेगा ये। अब हम करते हैं पीछे के फ्लोर मैट में, आ जाओ ये देखो ये अपना पीछे का मैट है। एक बार मैं अपनी सीट क्या बोलते हैं ऊपर उठा दूँ इसको। तो अब मैं एक बार पीछे के फ्लोर में इसको मारता हूँ, ये देखो आपको बीच बीच में इसको हिलाते रहना है। फोम आपने मार दिया पूरे उसमें, ये देखो। और अब बात है इस सीट की, शेक करिए
सो आप ये देखो गाड़ी अभी इस साइड से पूरा हमने फोम कर दिया है। और जो मैं आगे बता रहा था ना कि आप ये देखो अब इसने जितनी मैक्सिमम डस्ट वगैरह होगा ना पॉलिस्ट्री से वो इसने ग्रैब कर लिया होगा। और अब बात करते हैं भाई इस डोर पैनल की, तब तक उतर इतना सूखने देते हैं इसको, आप फिर से शेक कर लो। अब इसे हम डोर पैनल पे मारते, देखो अब ये देख लो इसमें ये झाग तक आ गया है। तो हम क्या करेंगे, ये झाग को भी ऐसे हाथ में लेकर ये जो इतना भी अपोस्ट्री है इसमें आपको हैंड रब करना है। हैंड रब से होता है जितने भी स्टिकी दाग होते हैं वो चले जाते हैं। अभी देखो हैंड रब किया, इसके बाद हैंड रब करने के बाद हमें लेना है एक ऐसा टूथब्रश। इस टूथब्रश को लेकर आपको जहाँ पर भी अपने ये अपोस्ट्री के ऊपर अच्छे से रब करना है, प्लास्टिक के ऊपर डोर पैनल से जहाँ पर आपके हाथ पड़ते हैं या फिर जहाँ पर ज़्यादा आपका लगता है कि हाँ यहाँ पर गंदगी ज़्यादा है, जैसे कि अभी ये बंदा अंदर हाथ नहीं पहुँचेगा तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हो करेंगे। और जैसे कि कभी कभी यहाँ पर स्पीकरों के देख रहे हो आप यहाँ पर जो दाग है ये देखो मैं अकेला शूट कर रहा हूँ ना आज, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एक ऐसा माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेकर आपको इसको यहाँ पर कपड़ा मारना है, ये देखो। अब जैसे ही इसको कपड़ा मारोगे, ये कपड़ा भी आपको जो मारना है ना वो आपको थोड़ा सा ना प्रेशर दबा के मारना है कि अगर कोई दाग वगैरह रह जाए तो वो इस कपड़े में चला आएगा। मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकंड, ये देखो आप, ये अपना डोर पैनल पूरी तरीके से, और अंदर से भी मार दिया था हमने फोम, इधर भी मार दिया था। तो आप ये देखो कि जो अपना फोम है उसने पूरी हद तरीके से जितना भी हो सके घर के हिसाब से पूरा साफ़ कर दिया, वैसे दाग ऐसे सच कोई नहीं बचा अभी भी। और अब बात करते हैं अपनी सीट की, तो चलो मैं एक बार सीट में भी और कपड़ा मारता हूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ सीट। तो ये देखो आप, एक सेकंड, ये देखो वीडियो थोड़ी सी इसलिए लंबी लगी ना क्योंकि मैं आपको एक प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ पूरा, अंदर जो धूल रह जाती है इधर अपना पूरा। आप ये देखो सीट की सफाई, अभी आप ये बताना मेरे को जो पहली सीट थी और अब की जो सीट में सफाई, आप देखो एक शाइन आ रही होगी इसकी जो अपोलिस्ट्री है। अभी देखो लेदर जो है, ये देखो ये सूख चुका है, ये सूखने के बाद की कंडीशन है, ये देखो पूरी एक अच्छे से सफाई होती है ना वो दिख रही है आपको, पूरा जो अपना एकदम अपोलिस्ट्री है वो पूरा साफ़ हो चुका है। और अब जो मेरा ये डैशबोर्ड कंसोल था, आप भी देखो इसमें कितनी गंदगी इकट्ठी होने स्टार्ट हो गई, आप ये देख सकते हो जैसे छोटी छोटी ये काली काली आपको दिख रही होगी इधर भी। सो अब करते क्या है ना, हम इसको टूथब्रश जो हमने लिया था उस टूथब्रश से हम इसको रब करेंगे, टूथब्रश से इसको रबिंग की हमने, रबिंग इसलिए कर रहे हैं ना हम टूथब्रश से क्योंकि जितना भी पार्ट में यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो इधर स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा गंदगी बनती है, ये देखो यहाँ पर जितनी भी गंदगी होगी इसका बस रबिंग करके ये देख सकते हो अब ये कितना पीला पीला रहा है, ये कॉर्नर पे हर जगह पे गंदगी आपको मिलेगी तो उसको हमको साफ कर लेते हैं इससे, टूथब्रश का यही कमाल है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि हमें ये लेना है कपड़ा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको साफ़ कर देता हूँ फिर आपको मैं इसका फाइनल रिव्यू दिखाता हूँ फाइनल लुक कैसा आता है। तो अब आप देखो फ्रेंड्स कि अपनी इंटीरियर की जो कंसोल की कितनी क्लीन सफाई हो चुकी है, जिसका कॉर्नर वगैरह था ये देखो पूरा साफ हो चुका है। कह रही जो आप ये ब्लैक स्पॉट देख रहे हो ये खैर समय के साथ जो बोतल वगैरह रखते हैं मोबाइल वगैरह तो उसके दाग लग जाते हैं, तो आप ये देख सकते हो कि इसकी जो जो ये आप सोच रहे हो ना ये दाग वगैरह हैं ये ऐसे दाग हैं कि जो बोतल वगैरह से पड़ चुके, तो आप सोच रहे हो कि गंदा है वो नहीं है। आप ये देखो कितने हद तक अपना क्लीन हो चुका है। सो अब हम चल दिए पूरी गाड़ी में अपना क्या बोलते हैं फोम करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि अपना जो फाइनल लुक निकल के आता है इंटीरियर क्लीनिंग का वो कैसा निकल के आता है। We'll be right back.
देख सकते हो कि अपनी गाड़ी का जो इंटीरियर है वो पूरी तरीके से ड्राई क्लीन एकदम साफ हो चुका है। और जो मैं बता रहा था कि इधर जो स्पॉट था वो भी आप देख लो, इधर ब्लैक कलर का, वो भी पूरा गायब हो चुका है। और डैशबोर्ड अपना पूरा साफ हो चुका है, एकदम पीछे तक मैंने साफ़ किया था, यहाँ पर आप देखो पूरा एकदम नया जैसा चमक रहा है। और ये सेंटर कंसोल की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो सेंटर कंसोल की, सेंटर कंसोल की क्या कंडीशन है, पूरा साफ़ हो चुका है। सो जो देखो इंटीरियर क्लीनिंग ये है कि आप जैसा प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट आता है। मैंने जो आपको ये प्रोडक्ट बताया था इसमें मैंने एक वैक्यूम क्लीनर का यूज़ किया था और एक क्या बोलते फोम का इस्तेमाल किया था, इंटीरियर फोम। आप कोई भी इंटीरियर फोम लेके क्लीन कर सकते हो। देखो इंटीरियर फोम मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ ना कि काफ़ी लोग बोलेंगे कि फिर क्या फ़ायदा उसमें खर्चा करना पड़ेगा। देखो बिना इंटीरियर फोम के आप गाड़ी कभी इंटीरियर साफ़ नहीं देख सकते। जितना आप उसको घिसते चले जाओगे ना तो जितने भी इंटीरियर के पार्ट्स हैं उस पर आपकी शाइन चली जाएगी। जैसा कि आप ये देखो अभी कि मेरी गाड़ी में ना जो शाइन आ रही है आप इंटीरियर फोम के बाद जो ये शाइन आती है ना, ये क्या बोलते हैं स्टेयरिंग व्हील पर, कुछ कुछ लोगों का ये क्या बोलते हैं फेड पड़ जाता है, स्क्रैच आ जाते हैं, क्या बोलते हैं आपका स्टेयरिंग का स्टिचिंग में क्या बोलते हैं थोड़ा सा ना गंदा गंदा दिखने लगता है। इतने भी ये ब्लैक पार्ट्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे गंदगी आने लगती है। और काफ़ी ज़्यादा बंदों के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के इधर बहुत गंदगी आती है, तो वो सब क्या बोलते हैं ये फोम क्लीन कर देगा। कपड़ा मारने से ही हर बार क्या बोलते हैं आपका काम नहीं होगा। और आप ये देख सकते हो सीट की क्या कंडीशन है, सीट एकदम पूरी अपनी नई जैसी हो चुकी है, यही हाल पीछे का भी है और पूरा मतलब क्लीन हो चुका है। तो बस आपको इतना ही बताना था कि स्कॉर्पियो का आप इंटीरियर कैसे मेंटेन रख सकते हो और इतना साफ रख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्कॉर्पियो वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा।